नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक में पीएम मोदी यादगिरी और कलबुर्गी में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। यहां से पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचेंगे और पीएम मोदी राजधानी मुंबई में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और मुंबई मेट्रो की दो लाइनों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह के समय कर्नाटक के यादगिरी और कलबुर्गी जिलों का दौरा करेंगे और यादगिरी जिले के कोडेका में सिंचाई पेयजल और एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ से गुरुवार सुबह एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां एक ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मुंबई से 130 किलोमीटर दूर रायगढ़ के रैपोली गांव से सुबह 4:45 पर हुआ है। हादसे में जान गंवाने वालों की सभी लोग रिश्तेदार थे और रत्नागिरी से गुहागर जा रहे थे और वहीं सामने से आ रहे ट्रक मुंबई जा रहा था। मुंबई में एक छोटी बच्ची, 3 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल है। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 4 साल की एक घायल लड़की को मनगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती आपको बता दें वहां पर करा दिया गया है और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती सांसद खेल महाकुंभ में शिरकत करने पहुंचे और कार्यक्रम के बाद सीएस के मंडलीय समीक्षा बैठक की। सीएम के कार्यक्रम के दौरान डीएम प्रियंका निरंजन के जमकर दौड़ लगाई है और एक बार स्टेडियम तो एक बार प्रेक्षक गृह में दौड़ लगाती दिखी है। डीएम का पीटी उषा वाला अवतार जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय समीक्षा बैठक की और सीएम ने तीनों जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और जन प्रतिनिधियों से भी जिलों के विकास कार्यों के बारे में फीडबैक लिया है और साथ ही इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा हुई। आपको बताते चले कि सीएम की समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सीएम ने बैठक में तीनों जिलों के विकास की बात की, इन्वेस्टर समिट पर चर्चा हुई ताकि जिले का विकास हो सके। वहीं बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा है कि 10 और 11 फरवरी में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। हरदोई के जेके रिजॉर्ट में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहां पहुंचे आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि वो तेलंगाना में राजनीति करने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सीरियस नहीं लेती है। और आपको ये भी बता दें कि हरदोई जिले में स्तरीय इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन के लिए 150 करोड़ के निवेश का लक्ष्य मिला था और यहां आज 4100 करोड़ का निवेश हुआ। और इस दौरान ही उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है और यहां अब निवेशक निवेश करने आते हैं। उन्हें पता है कि यहां का माहौल बहुत ही शांत और सुरक्षित है। तेलंगाना में अखिलेश यादव की रैली को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सीरियस नहीं लेती है। अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, तेलंगाना में वो राजनीति करते जा रहे हैं, पहले उनको अपना उत्तर प्रदेश देखना चाहिए। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों वहां इकट्ठी हो रही है और जनता भी जान रही है, इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प जनता के सामने नहीं है। देखिए, 4100 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं 99 में। मैं देख रहा था सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो डीएसएल ग्रुप है, जो एक बड़ा ग्रुप है, और उसके साथ साथ और भी मैं लिस्ट देख रहा था तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में एग्रो बेस्ड है, और भी अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है। एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 1500 करोड़ के लक्ष्य के अगेंस्ट अगर 4100 करोड़ के लेटर ऑफ इंटेंट एमओयूज हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिले हैं
तो इसका मतलब है कि एक विश्वास का माहौल प्रदेश में पैदा हुआ है और आज बड़ी संख्या में इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बीजेपी के नेता तैयारी करें, आज तेलंगाना में एक रैली हो रही जिसमें विपक्ष के लोग जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि चौथा मोर्चा तैयार हो रहा है दक्षिण से दिल्ली की ओर। तो नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है, उन्होंने तेलंगाना में अखिलेश यादव की रैली को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सीरियस नहीं लेती है और अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, तेलंगाना में वो राजनीति करने जा रहे हैं, पहले उनको अपना उत्तर प्रदेश देखना चाहिए। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों वहां पर इकट्ठी हो रही है, उन्होंने ये कहा, और जनता भी जान रही है इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प जनता के सामने कोई भी नहीं है। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के काफी संख्या में कार्यकर्ता ने रामलीला ग्राउंड हकीकत नगर में इकट्ठे होकर वहां से पैदल मार्च करते हुए नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा। आपको बताते चले कि ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष सुनील मित्तल, मंत्री अनुज शर्मा और इसके साथ ही आपको बता दें कि बजरंग दल महानगर सह संयोजक शानू ललित आदि यहां पर मौजूद रहे हैं। दक्षिणी असम के प्रेमगंज में हमारे एक बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, लगभग जिनकी उम्र 16 वर्ष थी। उनको एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने चाकू से गोद गोद कर उनकी हत्या कर दी और ऐसे ही जम्मू में हुआ है। जम्मू में हमारे दो कार्यकर्ता थे दीपक व प्रिंस, उनके साथ सात हिंदुओं समेत उनकी भी हत्या की गई है एक आतंकी हमला करवा करके। तो इसी विषय में आज हम लोग यहाँ पर बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमीरपुर में कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने स्कूल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। प्रारंभिक जांच में फांसी लगाने के पीछे घरेलू कलह का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया है। मामला आपको बता दें कि सरीरा विकास खंड के उपहरका गाँव में मौजूद कन्या प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ पर फांसी लगाने का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ये उपहरका में कन्या प्राथमिक विद्यालय है जिसके प्रधानाचार्य श्री सुग्रीव श्रीवास जो कंदौली के रहने वाले थे और वो यहाँ प्रधानाध्यापक थे, आज किसी अज्ञात कारण से या घरेलू किसी परेशानी से कलह से उन्होंने आज पंखे में रस्सी बांध के सुसाइड कर लिया। रस्सी कमज़ोर होने की वजह से टूट गई है और घर में भी थोड़ी बहुत कुछ समस्या थी जिसके बारे में जानकारी की जा रही है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बैंक रोड चौराहे पर बरसों से बांसफोड़ समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और जिसके जाम की समस्या हमेशा बनी रहती थी। वहीं इसको लेकर नगर निगम के प्रवर्तन दल और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहां किए गए अतिक्रमण को खाली कराया और इस दौरान सड़कों पर व्यापार करने वाले बांसफोड़ समुदाय के लोगों ने विरोध भी किया है। उनका कहना है था कि हमारा रोजगार सड़क पर चलता है, ऐसे में सरकार और प्रशासन हमें रोजगार के कोई साधन मुहैया कराए ताकि हम भुखमरी से बच सकें। और इस दौरान सालों से चौराहे पर किए गए अतिक्रमण को टीम ने खाली कराकर सड़क को पूरी तरीके से जाम मुक्त कर दिया है, लेकिन कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे सालों से कब्जा जमाए बेल्ट और पर्स के दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि हमारा अभियान निरंतर चलता रहेगा। आज नगर आयुक्त के निर्देश पर इस चौराहे पर अतिक्रमण हटाया गया, आगे उनका जो भी दिशा निर्देश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। नगरायुक्त महोदय का ये आदेश था कि यहाँ पे बसफोड़ काफ़ी दिनों से अतिक्रमण कर रहे हैं जिससे आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है और इसलिए ईटीएफ की टीम और मैं सफाई निरीक्षक राम विजय
और एक ईटीएफ की टीम सभी लोग हैं। और जबकि अभी एक घंटे पहले नगरायुक्त महोदय ने आदेश दिया है कि यहाँ से जितने बसफोड़ हैं इनको खाली कर दिया जाए, जिससे आवागमन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसी को देखते हुए हम लोग लगे हुए केवल बसफोड़ ही क्यों, आगे कार्रवाई चलेगी? हाँ, आगे लगभग एक हफ्ते तक की कार्रवाई चलेगी। महानगर में अन्य जगह भी बसफोड़ जो है बिरादरी के लोग या सब जगह कार्रवाई होगी? नहीं, अभी तो यहाँ के लिए निर्देश मिला है कि ये खाली कर दिया का, क्योंकि यहाँ पे चौराहा है, आने जाने में ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो चिन्हित तो दुकानें हैं हम लोग की यही कार्रवाई है कि हम लोग कोई करने के लिए हम लोग को कोई रोजगार जगह दे देंगे कि हम लोग रोजी रोटी अपना चला के अपने बच्चे जिला सके। मतलब हम लोग घर द्वार दे दिए, सब कुछ दे दिए, रहने के लिए जगह दे दिए। सड़क पर जाम लगता है ना, सड़क पर जाम लगता है सर, तो उनको सोचना की हम लोग रोजी रोटी कहाँ चलेगा, घर फोड़ के तो खाएंगे नहीं सर हम लोग। क्या कहना है सरकार को? सरकार से कि हम लोग रोजी रोटी करने के लिए हमको जगह चाहिए, दुकान करने के लिए जगह चाहिए। ये हम लोग बचपन बात होते खत्म हो गए, जमाने एक जमाना बीत गया। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी और साइकिल सवार लोगों को टक्कर मार दी है, जिसके साथ ही नशे में धुत कार सवार कई लोगों को रोंदते हुए 11,000 विद्युत हाई टेंशन लाइन के पोल से टकरा गया। और वहीं हादसे में स्कूटी और साइकिल सवार समेत दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के करोवन मोड़ के पास की है। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मारी है और जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार ने नशे में ये टक्कर मारी है और नशे में धुत था, कई लोगों को रोंदते हुए 11,000 विद्युत हाई टेंशन लाइन के पोल से वो टकराया है। और वहीं हादसे में स्कूटी और साइकिल सवार समेत दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें आपको कि घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के करोवन मोड़ के पास की बताई जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां पर पारिवारिक न्यायालय में पेशी पर आई महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। श्रावस्ती में दो बाइक सवारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं और वहीं घायलों को स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से CHC कोना पहुंचाया गया है। मामला नवीन मॉडर्न थाना के कटरा बाईपास का है। श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दो बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर बताई जा रही है। बता दें आपको तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। महिला समेत इस पूरे हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पर घायलों को देखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद किसी तरह से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सबकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बस्तर जिले के सोनहा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कानून के खौफ से बेखौफ बदमाश ने एक लड़की का खुलेआम अपहरण किया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद आसानी से बिना किसी डर के छोड़कर फरार हो गए। वहीं मामले को लेकर पुलिस के इकबाल पर सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं कि आपको बता दें कि एक किशोरी को स्कूल जाते वक्त गुंडों ने किडनैप किया, फिर उसका रेप किया और 8 घंटे बाद उसे बेहोशी की हालत में उसके घर के सामने पैक कर फरार हो गए। इस घटना ने साबित कर दिया कि अपराधियों के इकबाल कितने बुलंद हैं। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। COCT आलोक कुमार ने जिला अस्पताल में पीड़ित का बयान दिया है और जिसके बाद पीड़िता को लेकर पुलिस थाने चली गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। गोरखपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र के ही JP हॉस्पिटल के निकट लूट की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने पीलीगंज के व्यक्ति से लगभग 2,70,000 लूट लिए हैं। वहीं मामले की सूचना पर पहुंचे SP सिटी के साथ क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाने की पुलिस छानबीन में जुट गई है।
तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें आपको कि यहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं, और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर लगातार चोर जो थे वह सतर्क नजर आ रहे थे। चोरों ने पीलीगंज के व्यक्ति से लगभग 2,70,000 रुपए की लूट की है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी के साथ क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाने की पुलिस छानबीन में अब लग गई है। मथुरा के रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से अमृतसर से नादेड़ जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य कोच में चीख पुकार मचने लगी। यहां एक सिख समुदाय के व्यक्ति ने एक युवक पर तलवार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। जानकारी के अनुसार मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऊपरकोट गाँव का रहने वाला पवन नामक युवक सचखंड एक्सप्रेस से झोलपुर से मथुरा के लिए जा रहा था। वही नादेड़ सरकार मोहन सिंह की अमृतसर जा रहे थे, और इसी दौरान मोहन सिंह का पवन नामक युवक से सिगरेट पीने को लेकर विवाद हो गया। मोहन सिंह पवन को सिगरेट पीने से मना कर रहे थे, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, और इस बीच पवन ने अपने साथियों को फोन कर सूचना दी। जैसे ही ट्रेन मथुरा पहुंची, इसी दौरान मोहन सिंह ने अपनी तलवार से पवन पर हमला बोल दिया, जिससे पवन के हाथ पर गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। फिलहाल रेलवे पुलिस द्वारा मोहन सिंह को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन में युवक पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि सिगरेट पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि सिख समुदाय के व्यक्ति हैं जिन्होंने तलवार से युवक पर हमला किया है, और ये भी जानकारी है कि युवक ने अपने साथियों को फोन कर दिया था, जिसके बाद कहासुनी बढ़ गई थी, और जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित होना पड़ा और सिख समुदाय के व्यक्ति ने इन पर हमला कर दिया। बिजनौर के सयोहारा थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी को लूटते हुए लगभग 1.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीन लिया है और फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर एसपी पूर्वी और सयोहारा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मामला सयोहारा थाना क्षेत्र के गाँव धुंधली का है, जहाँ पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर कर्मचारी सुखबीर सिंह पैसों का कलेक्शन करके वापस नूरपुर की ओर जा रहा था, तभी पीछे से 2 बाइक पर सवार होकर 4 युवक तेजी से आए और सुखबीर सिंह के हेलमेट पर किसी चीज से वार किया, जिससे सुखबीर सिंह बाइक से नीचे गिर गया। बदमाशों ने सुखबीर सिंह से नोटों से भरा बैग छीन लिया है और साथ ही मोबाइल भी छीन कर दूर फेंक दिया। बैग लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर ही सोहारा थाना प्रभारी राजीव चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। खबर बिजनौर से है। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 4 महीने पूर्व नसबंदी हुई और एक महिला के पेट में पल रहे 3 माह के बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, जिसको लेकर पीड़ित परिजनों ने जिले के आला अधिकारियों से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार की माने तो बिजनौर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ने नसबंदी करने के दौरान दावा किया था कि गर्भधारण नहीं होगा, लेकिन नसबंदी के बाद भी महिला के गर्भधारण का हैरत अंगेज मामला देख डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल गए हैं, जिससे डॉक्टरों ने मामले में लिपापोती करते हुए गरीब महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे नाराज पीड़ित परिजनों ने जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात बयां की है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के सोहारा थाना क्षेत्र के गाँव भगवानपुर निवासी गौतम ने अपनी पत्नी मीनाक्षी का 7 महीने पहले सोहारा CSC पर नसबंदी कराई थी, और नसबंदी के दौरान स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने गर्भधारण न होने का दावा किया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के द्वारा ही की गई नसबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है और महिला को गर्भधारण हो गया। और इतना ही नहीं, महिला इसकी शिकायत करने जब CSC पहुंची तो उन्होंने बिजनौर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर से अपने दुख का रोना रो रही महिला को डांट फटकार कर जबरन अस्पताल के CMS प्रभा ने महिला का ऑपरेशन कर दिया, और हद तो तब हो गई जब महिला अस्पताल की
माफ कीजिए, सीएमएस प्रभा ने 3 माह के बच्चे का ऑपरेशन कर बच्चे के बाप के हाथ में दे दिया और इसको कहीं भी फेंकने के लिए बोल दिया। इतना ही नहीं, मरीज के साथ आई आशा कार्यकर्ती ने भी डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक और भ्रूण हत्या को लेकर सरकार सख्त है और दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी भ्रूण हत्या जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पीड़िता महिला पति गौतम ने ही उच्च अधिकारियों से शिकायत कर लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।